परिचय किया और खुशी की बात है कि अधिकांश हमारे पहुंचे हुए हैं, सांसद भी कार्य हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत बहुत आभारी हैं माननीय भक्त अत्री जी के, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति में आज इस और इस बैठक में हम जो है इसमें बताया गया कि जो अब तक हित किया है दलितों का, अनुसूचित जाति का, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब संविधान निर्माता का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो केवल क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये दलित समाज 2014 में मोदी जी को लाया, 17 में योगी जी को प्रचंड बहुमत से यहाँ लाया, और 2019 के उसमें दलित समाज ये समझ गया है कि बाकी जो पार्टियां दलितों के हित की बात करती हैं उनका दावा अब तक खोखला साबित हुआ है। अगर कोई हित ऐसी है वो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी है। 2019 में हम प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को पाए, फायदा उसका दलितों को मिला, अनुसूचित जाति के लोगों को मिला, पिछड़े वर्ग को मिला है। उसी तरीके से चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसमें लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलना, चाहे मजदूर की जो श्रम नीति बनाई, वो सारी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आज की इस कार्य समिति में ये तमाम चीज़ों के साथ साथ टाइम बाउंड कार्यक्रम तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति हटके नहीं, लोगों के बहकावे में ना आए। मायावती जी की 4 बार सरकार रही, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जो उनके निजी फायदे के लिए होता, दलितों के फायदे के लिए। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, उन्होंने दलितों के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको डिमोट कर देने का काम किया, कोई उनके लिए योजनाएं बनाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जमीन पे काम तो उतारा, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। इसलिए ये जो एजेंडा है वो अनुसूचित जाति के लोगों को बताने का है और डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने